इतना भारत अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, लाइक 11 इनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो मेरे ख्याल में ये सुपर पावर बन सकता है. तो इट्स यस फॉर मी. भारत के 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सुनने में ये आ रहा है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 10 सालों में ये 11 जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, भारत की इकोनॉमी को सुपर पावर बना देंगे. इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक देखा जाए अच्छी बात है कि वहाँ भी तरक्की हो रही है, पाकिस्तान में भी तरक्की हो रही है. पाकिस्तान आजकल अफगानिस्तान को काफ़ी पैसे, जैसे कि 5 अरब रुपीज़ उन्हें दिए हैं अफगानिस्तान में, जैसे लिथियम के रिजर्वाइज हैं. अब देखा जाए पाकिस्तान भी सुपर पावर बन सकता है अगर उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना ले अफगानिस्तान के साथ. और अब बात हम इंडिया की करते हैं, अगर इंडिया बना लेता है कम्प्लीटली तो उम्मीद है कि वो सुपर पावर बन जाएंगे, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ की जो कमीशन ऑफिसर्स हैं ना वो सही नहीं है. उनका अपना निज़ाम बहुत बिगड़ा हुआ है, वो हर चीज़ में वो एक गपला करते हैं. जहाँ जैसे पाकिस्तान में तो उनकी भी वैसी सियासी निज़ाम है, जैसा जहाँ ऐसा सियासी निज़ाम है वहाँ बन ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है. सर, इतनी जो डेवलपमेंट हो रही है, इतनी जो इकॉनमी उनकी बूस्ट कर रही है, तो अगर उनका सियासत इतनी अच्छी ना होती तो वो कैसे कर पाते? जी वो देखें, ये उनकी सिर्फ एक IT की वजह से वो चले गए, और जो बाहर मुल्क गए हैं, वो बाहर जो लोग जाते हैं वहाँ से उन्हें पैसा आता है, यहाँ से वो नहीं डेवलप कर रहे. ये अंबानीज हैं, ये टाटा वाले हैं, ये भी बाहर से ही सब कुछ कर रहे हैं. ये अपनी यहाँ पर इंडिया में एक दो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बाकी सभी अपना सिस्टम बाहर से करते हैं. तो आपको कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाहर के, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो भारत में शिफ्ट कर रहे हैं? जी मुझे पता है एलोन मस्क का भी वो कर रहे हैं शिफ्टिंग, एप्पल की कंपनी भी शुरू कर रहे हैं. तो अभी देखा जा सकता है, उम्मीद है कि वो उनको अब नीड है इस चीज़ की, और नहीं तो स्टेबल नहीं वो खुद को. नीड नहीं है अभी भी, वही ना, अभी नीड है इसी के हिसाब से तो वो कर रहे हैं. अभी उनके बांग्लादेश के साथ भी मसाइल चल रहे हैं काफ़ी, उनके साथ भी कर रहे हैं, और चाइना भी घुसा रहा है उनके अंदर. उन्हें अब उस ना बनना पड़ेगा कि कल को वो चाइना को रोक सके, नहीं तो चाइना तो बहुत धमकियाँ उनको लगा रहा है. चाइना क्या? उनको धमकियाँ लगा रहा है कि आप वो जो उनका अपना एरिया ना वो हमें दे दें. अच्छा. तो चाइना बल्कि वहाँ पे आया हुआ है, वहाँ UP के जो एरिया है ना वहाँ पे, तो उन्हें इस दफ़ा खुद को स्टेबल करना चाहिए, और उन्हें ज़रूरत भी है इस चीज़ की. अगर वो अपनी नीड पूरी फर्स्ट वो अपनी नीड पूरी करें. सर, भारत अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, लाइक 11 इनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो मेरे ख्याल में ये सुपर पावर बन सकता है. तो इट्स यस फॉर मी. कोई फरिश्ता आएगा या कोई ऐसा बंदा आएगा जो हमारी मदद करेगा, हमें पार लगा देगा? हम खुद नहीं सोचते, हम पूछते नहीं, हम क्वेश्चन सही तरह नहीं करते. हम उनसे सही तरह, हम अगर पूछने लग पड़े तो हम उस काबिल हो जाएंगे कि हम भी इतने हो जाएँ कि हम भी सुपर पावर की लिस्ट में कहीं नाम हमारा आए. पाकिस्तान अभी तरक्की की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लाइक हमारे जो पॉलिटिशियंस वगैरह या लीडर्स वगैरह आ रहे हैं तो वो उनको अभी तरक्की की तरफ लेके जा. हम एकदम से ही तो कामयाबी ही अब नहीं कर सकते जब तक कि हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर सीढ़ियों की तरफ परवान ना चढ़े. जिस तरह चढ़ते जाएंगे, स्टेप्स लेते जाएंगे, तो हम भी अपनी कामयाबी की तरफ जाते जाएंगे इंशाल्लाह. प्लीज़ पहले तो आप जो है ना वो जो मेंटली डोमिनेशन है उससे आप निकले कि उन्होंने सुपर पावर बन जाना है. उन्होंने कुछ भी इतनी जल्दी या इतने हम उनके पास मौके नहीं है. उन्होंने एक वो प्रोपेगेंडा वो ज़्यादा करते हैं और काम उनका काम होता है. लिहाजा हमारी इकानमी इतनी नहीं मरी हुई या गई गुजरी कि हम इतना वो मरी हो जाए या हमें रात को नींद देना पड़ेगा, हमारे साथ क्या होगा, ऐसी बात नहीं है. इंशाल्लाह उनके कॉरिडोर जितने खुल रहे हैं उतने साधन बंद भी होंगे, और हमें पूरा समझ लेना चाहिए. और ये जो है ना वो जो इंटरनेशनल उनकी करप्शन भी है ना, कि वो अपने जो उसके जो हवारी ममालिक है उनके, उनसे वो अपनी माली इमदाद लेके वो इस्लामी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं. वो स्ट्रेंथ एरिया वाइज भी देखें तो आप उनकी जो इंडस्ट्री वाइज भी देखें तो बहुत वो प्रोग्रेस कर चुकी हुई है. और पाकिस्तान में अगर उसको कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान में अभी उस लेवल के उतने प्रोजेक्ट्स नहीं हुए, तो पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए. किसी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, फिर सियासी इस्तेकाम होता है, और अवामी अवेयरनेस होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है. कोई भी आपने माशियात को अगर आप बूस्टर करना है तो उसके लिए क्या आपके पास फैसिलिटीज़ क्या है, उसके लिए हुकूमती किरदार बहुत ज़्यादा अकाउंट होता है. और अब जैसा इंडिया का तलक है, उसने वो जितने भी कॉरिडोर बनाए हैं तो मजीद बना के वो उसकी इकानमी बूस्ट करेगी, तो उसके पीछे बिहाइंड कुछ कुछ रीज़न होती है. वो यह है कि उनका एक कह लें अवामी और हुकूमत का अपना कोऑर्डिनेशन होगा, या वहाँ पर सियासी इस्तेकाम ऐसा होगा कि वो उनको अपनी तरक्की नज़र आ रही है. जबकि उसके बरक्स हम अपना मुल्क देख लें, पाकिस्तान देख लें, उसमें कभी भी हमने सियासी इस्तेकाम नहीं देखा, कभी हमने माशी जो है ना वो इस्तेकाम नहीं देखा, कभी चीज़ों का बैलेंस नहीं देखा, कोई महंगाई का बैलेंस नहीं देखा. तो ये सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं कि आपकी इकॉनमी किस तरह बूस्ट अप करेगी. तो इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिया वो सुपर पावर बन जाएगी, तो ये तो खैर उसका ख्वाब है, कोई इतनी जल्दी सुपर पावर नहीं बन सकता, तो ना उसका वो हम बनने देंगे.
हम भी इधर मौजूद हैं, हमारी पाक आर्मी मौजूद है, हम हमारा जो मिली जज्बा वो भी मौजूद है, तो हम इस तरह को होने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अगर उसने ऐसी कोशिश भी की तो वो इस तरह वो कामयाब नहीं हो सकता। बेशक हम इकोनॉमिकली बहुत वीक जा रहे हैं या हमारी सियासी इस्तेकाम नहीं है हमारे मुल्क में, लेकिन उसके बावजूद हमारे जज्बे पुरज़म है और हम में एक जोश जज्बा है और उसके अब वो अपनी डेवलपमेंट से सुपर पावर बन रहे हैं, तो क्या आप उनकी डेवलपमेंट रोक देंगे? नहीं, डेवलपमेंट वो ठीक है, यही तो हम कह रहे हैं कि हमारा वो साहब है ना कि हम मानते नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ सब कुछ हो रहा है।